वो है इंस्टेंट बीफ लिहारी। और इसके लिए मुझे जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो ये हैं, बीफ 1 kg, नमक 1 tablespoon, आमचूर पाउडर 1/2 teaspoon, पेपरिका पाउडर 1 tablespoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, हल्दी 1/4 teaspoon, लाल पीसी मिर्च 1 tablespoon, काला जीरा 1 tablespoon, दालचीनी 2 से 3 अदद, सब्ज़ इलायची 6 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 1 teaspoon, काली मिर्च 1 tablespoon, साबुत धनिया 1 tablespoon, सौंफ 1.5 tablespoon, जिंजर पेस्ट 1 tablespoon, गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, फ्राइड अनियन 1/2 cup, पानी हसबे ज़रूरत, आटा 1 cup, ऑयल कुकिंग के लिए ये 2 steps में यूज़ होगा, आगे चल के हम देखेंगे, ग्रीन चिलीज, जिंजर और लेमन गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 3 tablespoon ऑयल डालेंगे और साथ ही ये बीफ ऐड कर देंगे। और स्लो मीडियम फ्लेम पे बीफ को फ्राई करेंगे। बीफ हमारा प्रेशर कुकर में फ्राई हो रहा है लो फ्लेम पे। यहाँ अलग पैन में हम 2 से 3 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। निहारी में ऑयल ज़्यादा डलता है इसलिए दोनों चीज़ों में ज़्यादा ऑयल है। ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। और सौते करेंगे। लहसुन सौते हो चुका है, अब इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। जब तक इसकी बुनाई होती है हम ये सारे साबुत मसाले ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये फ्राइड अनियन शामिल करेंगे, इसको हमने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया था, भूनते जाएंगे। ये सारे साबुत मसाले जो हमने आपको बताए थे उनको हमने पीस लिया है। निहारी मसाला हमारा तैयार है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करते हुए दही शामिल करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। हम इसको मीट वाले पैन में ऐड करेंगे। इसकी बुनाई करेंगे। अभी स्टेज पे ग्राइंडेड मसाले हमारे जो निहारी मसाला जो हमने तैयार किया वो शामिल कर देंगे। चार से 5 मिनट तक इसी मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करते रहेंगे। अब हम इसमें 7 से 8 कप पानी शामिल करेंगे।
कवर करते हैं, वेट लगाएंगे। इसका प्रेशर डेवलप होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद फर्दर 12 से 14 मिनट हमें इसको मीट को गलने में लग जाएंगे। टोटल 30 मिनट्स हो चुके हैं, प्रेशर डाउन हो चुका है, हम इसको ओपन करते हैं। मीट हमारी टेंडर है। अभी स्टेज पे हम एक कप आटे में पानी शामिल करते हैं, इसको बीट करते हैं, साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। और पानी डालेंगे, आटे का बैटर हमने तैयार कर लिया है। बट आटा डालने से पहले ये पैन में जो ऑयल ऊपर आ रहा है इसको हम थोड़ा सा निकालेंगे, क्योंकि जब हम आटे का बैटर डाल देंगे तो ये सारा ऑयल बैठ जाएगा, हमें ये टॉपिंग में चाहिए। थोड़ा सा हम ऑयल निकाल लेंगे, आधे कप के आसपास ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसमें हम आटे का बैटर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद लिड को कवर करके इसको स्टीम कुक के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए आटे का बैटर डालने के बाद ये थिकनेस आ गई है, इस तरह का थिक सा ये बैटर हो गया। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। कर दिया, 10 मिनट सिमर कुक पे भी हो चुके हैं। देखिए न्यारी सावन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ऑयल निकाला हुआ था वो इस पे पोर करेंगे। लेमन स्क्वीज करेंगे, हमारे पास जूलियन कटी हुई जिंजर है इसको ऐड करेंगे, ग्रीन चिली है, ग्रीन करिएंडर लीव्स हैं वो डाल देंगे। इसको नान के साथ सर्व करेंगे। इंस्टेंट बीफ निहारी रेडी है।